Hello everyone, in our last tutorial we had discussed about Django admin panel models, creating tables inside models and different fields of Django models. In this lecture we will discuss about customizing admin panel. Hamara jo by default admin panel hota hai, वैसे उसमें बहुत सारे filters होते हैं. अगर आपने उसमें कुछ filters add करने हो तो हम आज वही discuss करेंगे. तो सबसे पहले मैं रन कर रही हूँ प्रोजेक्ट को. यहाँ पे मैं ओपन करूंगी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. ये हमारा प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट. इसके इनसाइड मैंने ऐप के इनसाइड एक मॉडल बनाया था स्टूडेंट नेम, और इसमें ये सब फील्ड्स ऐड की थी. आपने भी ये करके देखा था. और अब मैं इसके इनसाइड पहले तो नेविगेट करूंगी सीडी डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के इनसाइड है Django कोर्स, एंड यहाँ पे था हमारा सेकंड प्रोजेक्ट. और अब इसमें मैं करूंगी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर. रन सर्वर करने के बाद इसमें ये यूआरएल आ जाएगी, इसको हम ब्राउजर में पेस्ट करेंगे. तो ये आ गया जो नॉर्मल किया हुआ था हमारा फ्रंट एंड का, इतना ही किया हुआ था. अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन लिखूं तो यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाता है, जो कि पहले से ही लॉग्ड इन है. और अगर आपने इसमें से लॉग इन करवाने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में किया था, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर से. अब इसमें हम थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे इसको. मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये ऐसे मैंने रिटर्न लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट के नेम. और अगर हमने इसकी प्रॉपर पूरी डिटेल चाहिए हमें स्टूडेंट की, तो हमें इसको हर एक को ओपन करना पड़ रहा है. और इसमें हमने और भी कुछ फिल्टर्स ऐड करने, तो वही कस्टमाइजेशन करेंगे. और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एडमिन में यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो वो एडमिन डॉट पी वाई फाइल में होगा. और हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया था Django एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हमने अब इसमें चेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई वेबसाइट. तो सबसे पहले मैं एडमिन डॉट पी वाई फाइल ओपन करूंगी. फिर ये देखो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का हेडर दिया हुआ है एडमिन डॉट साइट डॉट साइट हेडर. आप यहाँ पे कुछ भी हेडर दे सकते हो. इसमें इसके साथ ही ऐसे लगा देती हूँ यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट. सेव किया इसको और यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट इसमें मैं कुछ फिल्टर्स ऐड करूंगी. फिल्टर्स ऐड करवाने के लिए पहले तो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास. क्लास का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट बाद में आपने पहले सॉरी टेबल का नेम लिखना है. जो हमारे पास टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट. मैंने इसको कॉपी किया स्टूडेंट, और बट साथ में आपने इसके लिखना है एडमिन. ठीक है, क्लास का नेम क्या होगा, पहले तो टेबल का नेम और उसके साथ कैपिटल ए के साथ एडमिन. और इसको हमने इनहेरिट करवाना है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन क्लास से. ये एज इट इज ही रहेगा. और यहाँ पे पहले टेबल का नेम और बाद में कैपिटल ए से एडमिन, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से इसको इनहेरिट करवाना है. इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हो. कौन कौन सी कस्टमाइजेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अगर फिल्टर्स ऐड करने हो उसमें, या आपने कुछ सर्च फील्ड्स ऐड करनी हो. सबसे पहले मैं फील्ड्स बताऊंगी. फील्ड्स इसमें आप फील्ड्स के ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट हमने जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है मॉडल्स डॉट पी वाई में, उसी ऑर्डर में आ रहे हैं नेम, ईमेल, रोल नंबर, फीस, जेंडर, एड्रेस, जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है सेम ऑर्डर है. ठीक है, अगर आपने इसमें से कुछ फील्ड चाहिए आपको, लेट सपोज कि आपको सिर्फ नेम, ईमेल और रोल नंबर ही शो करवाना है. टेबल मॉडल आपने पूरा क्रिएट कर रखा है, बट एडमिन के पास भी आप चाहते हो कि ये तीन फील्ड शो हो. ठीक है, इनका आपने ऑर्डर चेंज करना है, तो उसके लिए तो आता है इसमें फील्ड्स. फील्ड्स इक्वल्स टू, और इसके साथ आप फील्ड्स बता सकते हो. फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा, फील्ड्स के नेम यहाँ पे आपने सही लिखने, कैपिटल है तो कैपिटल, लोअर है तो लोअर,
मैंने यहाँ पे लिखा नेम, लेट्स सपोज कि मैं नेम, ईमेल और रोल नंबर ही चाहिए, बाकी की फील्ड तो नहीं चाहिए। तो नेम, ईमेल और यहाँ पे मैं लिखूंगी रोल नंबर। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि मैंने रोल अंडरस्कोर नंबर, अब मैंने बताया था कि इसमें स्पेस नहीं आती फील्ड्स के नेम में, जो यहाँ पे कॉलम नेम बन रहे हैं, मैंने जहाँ पे अंडरस्कोर लगाए हैं रोल अंडरस्कोर एनओ लिखा है, तो यहाँ पे अपने आप उसकी जगह स्पेस आ गई, रोल स्पेस नंबर आ गया। तो ये अपने आप इसने कस्टमाइजेशन करता है। अब इसमें मैंने ये तीन फील्ड से सिलेक्ट की है, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ ये थ्री फील्ड ही शो होंगी। ये रिफ्रेश हो रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज मैंने यहाँ पे स्किप कर दी। क्या होगा, जो हमने यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर स्टूडेंट को रजिस्टर किया है, वहीं पे हम स्टूडेंट के एडमिन को रजिस्टर करेंगे। कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेव करेंगे इसको और यहाँ पे जो है फील्ड्स वो सब आ जाएंगी जो इसकी फील्ड्स होगी। देखो मैंने सिर्फ थ्री फील्ड सिलेक्ट की थी, नेम, ईमेल और रोल नंबर, वही आ गई। आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, मैं चाहती हूँ कि पहले रोल नंबर आए, ठीक है, पहले रोल नंबर आए, बाद में ईमेल आए और उसके बाद में आए नेम। तो आप ऐसे फील्ड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो अब इसमें पहले आ रहा है रोल नंबर, ईमेल और नेम, फील्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या पर्टिकुलर फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ये वाली फील्ड्स चाहिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ एडमिन में आप उन्हीं फील्ड्स को ऐड, अपडेट, डिलीट कर पाओगे। नॉर्मली हम यहाँ पे सभी फील्ड्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, या आपने ऑर्डर चेंज करना है तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फॉर नाउ मैं इसको कमेंट बना रही हूँ क्योंकि मुझे सभी फील्ड चाहिए, मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास सभी फील्ड्स आ जाएंगे और इसमें अब एरर आई क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लॉक एम्प्टी हो गया हमारा। तो पास करवा दिया, मैंने पास स्टेटमेंट लगा दी। अब इसमें हमारे पास सभी फील्ड्स आएंगी क्योंकि मैंने फील्ड्स वाले को कमेंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट फिल्टर है, नेक्स्ट फिल्टर आप इसमें क्या लगा सकते हो, आप इसको लिस्ट डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या शो हो रहा है, नेम और रोल नंबर, जो आपने रिटर्न में लिखा हुआ था, रिटर्न में आपने लिखा हुआ था नेम एंड रोल नंबर, आपको सिर्फ वही शो हो रहा है। और यहाँ पे अब मैं इसमें चेंज करूंगी, मैंने इसको टेबल के फॉर्म में शो करवाना है क्योंकि अभी ये कहीं किसी भी एंगल से हमें डेटाबेस का टेबल नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगी, लिस्ट डिस्प्ले, ठीक है, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ पे जो जो भी आपने लिस्ट डिस्प्ले में करना है, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, सभी फील्ड्स लगाऊंगी, रोल नंबर, जो जो भी आपने शो करवानी है वो लिख सकते हो, नेम, रोल नंबर, ईमेल शो करवाना है, ईमेल के साथ मैंने यहाँ पे शो करवाना है फीस, और फीस इसी को सेव करूंगी। और इधर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो ये टेबल स्ट्रक्चर बन गया। रोल नंबर, ईमेल, फीस, ये सभी हमें शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर रही, ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। तो ये आ गया, इस पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। देखो इस ईमेल पे क्लिक किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग, ए फिर एन वाले आए, फिर पी फिर एस, बाय डिफॉल्ट ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं थे। अब इस पे क्लिक किया तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पीस है, सबसे कम पीस ये है जीरो वाली, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें ऐसे चेंज कर सकते हो और फील्ड्स यहाँ पे शो करनी है, जितने भी आप यहाँ पे फील्ड्स को शो करवाना चाहते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फीस लिखा, जेंडर, एड्रेस, मैं यहाँ पे मैंने जेंडर भी शो करवाना है, जेंडर के बाद मैंने यहाँ पे शो करवाना है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस शो करवाया, इस पर रिफ्रेश करेंगे तो जो जो भी फील्ड हमने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने किसी फील्ड का नेम गलत लिख दिया, इनकोरेक्ट आ गया, तो वहाँ पे एरर आ जाए, जैसे मैंने ये फील्ड लगा दी, ठीक है, एड्रेस मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अब इसमें एरर आ रही है।
यहाँ पे देखो, आप जब भी आप एरर आ रहे हो तो आपने पैनिक नहीं होना, ये नहीं सोचना कि एरर आ गई। आपने क्या करना है, उसको प्रॉपरली रीड आउट करना है। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्प्ले ऑफ फाइव इंडेक्स एडीआर एन विच इज नॉट इन विच इज नॉट कॉलेबल, मीन्स कि यहाँ पे हमने नेमिंग को गलत कर दिया किसी का नेम। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो एड्रेस, अब ये हो जाएगा सही। और मैंने लास्ट में करना है इज रजिस्टर्ड कॉलम, ये नेम प्रॉपर वही सेम होने चाहिए। सेव किया मैंने इसको, अब इसको हम आउटपुट देखेंगे। इसको रीलोड किया पेज को, ओके ये रीलोड हो रहा है, अब रीलोड हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, जो जिसका हमने चेक किया तो इज रजिस्टर ग्रीन कलर का आ रहा है, जिसका हमने चेक नहीं किया था आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, ये अनचेक है तो इसीलिए वहाँ पे रेड कलर का आ रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर मैंने जैसे पीटर पार्कर है इसको रजिस्टर किया, नॉट हियर पीटर पार्कर, नहीं ये सिंचन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने अनचेक कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे आप इजीली हर एक पे क्लिक करने की बजाय सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो टेबल में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट फिल्टर है हमारा वो है कि अगर आपने इसमें सर्च फील्ड लगानी है, डेंगू में बहुत ही ज्यादा इजी है ये भी, आपने सर्च फील्ड लगानी है तो आप यहाँ पे लिखोगे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे लिखा सर्च SERCH सर्च फील्ड्स, जितने फील्ड से आपने सर्च बाय नेम करवाना है, सर्च बाय रोल नंबर कराना है तो आप करवा सकते हो। मैंने पहले मैं लिखूंगी सर्च बाय रोल नंबर, सेव किया मैंने इसको और अब इसको रीलोड करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक सर्च फील्ड ऐड होगी। सिर्फ हमने क्या लिखा, एक सिंगल लाइन लिखी है सर्च फील्ड में, बता दो कि सर्च बाय क्या करना है आपने, नेम रोल नंबर, देन आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। मैंने अभी ऐसे फॉर एग्जांपल सर्च किया 1002 सर्च, तो यहाँ पे ये रोल नंबर वाइज ने सर्च कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे नेम से सर्च करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अमन और सर्च किया तो यहाँ पे आ गया 0 स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सर्च बाय, क्या लगाया हुआ है, सर्च बाय रोल नंबर। अगर आपने सर्च बाय नेम भी करवाना है तो आप इसमें सर्च बाय नेम भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, पहले ये कर नहीं रहा था, सिर्फ रोल नंबर के साथ सर्च कर रहा था, अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखोगे तो ये नेम के साथ सर्च कर रहा है, और अगर आप रोल नंबर लिखोगे तो ये रोल नंबर के साथ भी सर्च कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च फील्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो 1003, आपने ईमेल के साथ आप मल्टीपल भी करवा सकते हो, कॉमा लगा के जितनी भी सर्च फील्ड आपने ऐड करवानी है वो करवा सकते हो। ये हो गया हमारा थर्ड फिल्टर। नेक्स्ट जो हमारा फिल्टर है वो हमने अगर कस्टमाइजेशन है वो हमने इधर, जैसे कि आप होम ओपन किया होगा अपनी होम पे, यहाँ पे देखो रीसेंट एक्शंस में क्या बता रहा है हमें, वो एक्शन बता रहा है कि हमने क्या किया है, सिंचन हमारा नोबिता को ऐड किया, ये सब चीजें। अब इस पे मैंने क्लिक किया, अब इस पे यहाँ पे भी फिल्टर्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट फिल्टर, लिस्ट फिल्टर, लिस्ट फिल्टर में आपने कौन से फिल्टर लगाने हैं, किसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाने हैं। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिए नेम के अकॉर्डिंग, कितनी भी फील्ड्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड के, राइट साइड पे एक बॉक्स बन जाएगा फिल्टर्स का, रिफ्रेश कर रही हूँ, राइट साइड पे एक बॉक्स बन गई, देखो तो यहाँ पे आ गया फिल्टर बाय नेम। तो यहाँ पे आप नेम के साथ, अगर चलो अब तो यहाँ पे सिर्फ 4-5 एंट्रीज है, अगर यहाँ पे थाउजेंड एंट्रीज हो तो यहाँ से ये इजी हो जाता है कि अगर आपने नेम से सर्च करना है, रोल नंबर से, ईमेल से, कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। और अगर जैसे मैं यहाँ पे सर्च बाय जेंडर कर दूँ, सर्च बाय एक और फील्ड लगा दी मैंने जेंडर, तो अब ये जेंडर के साथ भी फिल्टर ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश किया इसको, ये देखो सर्च बाय नेम का आ गया, सर्च बाय जेंडर, मैंने फीमेल पे क्लिक किया तो ये फीमेल वाला आ गया, मेल पे क्लिक करेंगे तो सभी मेल से रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये हमारे लिए इसमें से पूरे डाटा में से सर्च करना हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर है, इजी है, सिर्फ हम सिंगल लाइन के साथ ये फिल्टर्स ऐड कर रहे हैं। अब जो इसमें लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें है एडिटेबल। मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिस्ट
एडिटेबल। अगर हमने इसमें किसी को भी चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हर एक पे क्लिक करके देन उसके बाद हम उसको चेंज कर पा रहे हैं। अगर हमने इसमें चेंजेबल बनाना हो किसी फील्ड को तो आप बना सकते हो, यहाँ पे सही बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट लिस्ट एडिटेबल, ठीक है। लिस्ट एडिटेबल में आप फील्ड का नेम बता दो जिसके साथ भी आपने एडिट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल। अब ये इसको सेव करेंगे, ईमेल के साथ को एडिट करना है हमने। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे देखो ये इनपुट बॉक्स बन गया। आप ईमेल को चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, तो यहीं से ही आप इसको सेव करवा सकते हो, जिसको हर एक पे क्लिक करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आप कितने भी एडिटेबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक एड्रेस को भी एडिटेबल करना है यहीं पे, तो आप इसको भी एडिटेबल कर सकते हो। रीलोड किया मैंने, यहाँ पे इस पे बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। अब क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है इसीलिए इस पे लार्ज बॉक्सेस बने हैं। और इस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई एड्रेस ब्लैंक की जगह माई एड्रेस, सेव किया और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पे ही एड्रेसेस पे सभी पे यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर आपने एडिट करना है सभी फील्ड्स को। तो ये आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा क्या क्या फिल्टर्स लगाए हमने। पहले तो फील्ड्स था, अगर आपने फील्ड्स का ऑर्डर या पर्टिकुलर फील्ड्स को सिलेक्ट करना हो। सेकंड वन क्या था हमारा, लिस्ट डिस्प्ले। लिस्ट डिस्प्ले से क्या हो रहा है कि जो ये हमारा डाटा था, डाटा टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा लिस्ट फिल्टर। लिस्ट फिल्टर सॉरी सर्च फील्ड। सर्च फील्ड में आप जितनी फील्ड इसमें सेपरेट बाय कॉमा पास करोगे, लिस्ट है ये, सेपरेट बाय कॉमा आप कितनी फील्ड्स कर सकते हो, जिसके साथ भी आप सर्च लगाओगे, सर्च बाय नेम, सर्च बाय रोल नंबर, जेंडर, डेट, किसी के साथ भी आप सर्च लगा सकते हो और उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम ए, कोई नेम भी है जिसमें भी एम ए आ रहा होगा वो नेम आ गया, ठीक है। तो आप कहीं भी सर्च लगा सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे है लिस्ट फिल्टर। लिस्ट फिल्टर से क्या हो रहा था, फिल्टर बाय नेम, फिल्टर बाय जेंडर आप कर सकते हो। राइट साइड पे यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है जिसमें से हमारे लिए सर्च करना इजी हो जाता है, ठीक है। मेल फीमेल से आप सर्च कर सकते हो। लास्ट वन क्या था इसमें, लिस्ट एडिटेबल, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को एडिटेबल बनाना तो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ईमेल और एड्रेस को बनाया था, बट अब मैंने इसमें सिर्फ ईमेल को ही रखा है, तो यहाँ पे ये आ गया एड्रेस, ये देखो चेंज हो गया, पहले यहाँ पे ब्लैंक था। तो ऐसे आप कितने भी ऐड कर सकते हो फिल्टर्स। अब इसमें मैं एक सिंपल छोटा सा एक और मॉडल बना के आपको दिखाऊंगी कि अगर यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स हो, अभी तो यहाँ पे एक ही मॉडल था, तो मैं एक और मॉडल बना रही हूँ। मैं यहाँ पे एक मॉडल का नेम रखूंगी, लेट्स सपोज कि मैंने कॉन्टेक्ट अस का मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं पहले तो लिखूंगी क्लास, क्लास मॉडल का मैंने नेम लिखा कॉन्टेक्ट अस या फीडबैक कुछ भी, ठीक है। फिर मॉडल्स डॉट मॉडल, कोई भी आप इसमें फील्ड्स लगा सकते हो। मॉडल इसमें मॉडल में एम कैपिटल रहेगी, ठीक है। फिर पहले तो मैंने नेम लिखा, नेम में कौन सी फील्ड होती है, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। कैर फील्ड में आप इसकी मैक्स लेंथ बताओगे, मैक्सिमम लेंथ जो है नेम की मैं रखना चाहती हूँ 250 कैरेक्टर्स, और इसको बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक फॉल्स होते हैं तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया ट्रू। ट्रू अभी नहीं करेंगे, अभी हमने नेम, हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, नेम हो गया। आप और क्या हो सकता है कॉन्टेक्ट अस में, यहाँ पे हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इसके लिए मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड यहाँ पे ऐड करूँगी, इसमें सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज ही अलाउड होगी फिर इंटीजर फील्ड के बाद, ईएलडी फील्ड, ठीक है। आफ्टर दैट, और मैं चाहती हूँ कि ये मैंडेटरी ना हो कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप क्या कर दोगे इसको ब्लैंक, ब्लैंक टू रख सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि ये जो है एक पर्सन जो है एक कॉन्टेक्ट नंबर से एक ही फीडबैक दे सके, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यूनिक रखना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे इसको यूनिक टू कर दो। तो एक कॉन्टेक्ट नंबर का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट पास करवा सकते हो, सब्जेक्ट फिर मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, कैर फील्ड मैं यहाँ पे लिखूंगी मैक्स लेंथ जो है
मैं इस तरह से बताऊंगी 250 कैरेक्टर्स, और इसको भी आप अगर ब्लैंक रखो अनब्लैंक रख सकते हो। और यहाँ पे मैसेज, मैसेज के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। अब इसमें एक और चीज जो मैं न्यू इसमें ऐड करूंगी वो मैंने करनी है इसमें डेट टाइम फील्ड, कि डेट टाइम हमने यूजर से नहीं एंटर करवानी, वो तो चलो हम बाद में जब कॉन्टेक्ट आस के साथ मैं इसको लिंक करूंगी तब पता चलेगा आपको कि यूजर से एंटर नहीं करवा रही है। अभी भी हमने खुद से नहीं एंटर करनी इसमें, ऑटोमेटिकली जो जिस डेट पे हमने इस रिकॉर्ड को सेव किया है वही डेट आ जाए इसमें ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए ये तो क्लियर है कि डेट ही फील्ड होगी, अगर आपको टाइम भी चाहिए तो डेट टाइम फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना देती हूँ एडेड ऑन, कि ये कब ऐड किया, कुछ भी फील्ड का नेम रख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। डेट टाइम फील्ड क्या होती है, अगर आपने डेट और टाइम इनपुट लेनी है, बट हम ये चाहते हैं कि ये खुद से ही ऐड हो, हम इसको ना ऐड करें, ऑटोमेटिकली ऐड हो। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑटो नाउ ऐड इक्वल्स टू टू, तो ये अपने आप ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको मॉडल को क्रिएट कर लिया है, मॉडल क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं उसको एडमिन में रजिस्टर करते हैं, स्टूडेंट सेकेंड ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, स्टूडेंट को इम्पोर्ट कर रखा है और कॉन्टेक्ट आज को इम्पोर्ट करेंगे। फाइल को सेव करना आपने कभी भी नहीं भूलना, इसको सेव करना मैंडेटरी होता है फाइल को, तभी चेंजेस जो है वो सेव होते हैं। तो मैंने अब इसको भी जैसे आप यहाँ पे अब ये तो मैंने कि इस फाइल के अंदर इसको यूज करना है इसीलिए इसको इम्पोर्ट करके रख लिया, ठीक है। अब इसको यूज कहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, जितने भी मॉडल्स होंगे सभी के लिए ये अलग अलग बनेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, सभी को अलग अलग रजिस्टर करेंगे, क्लियर है। अगर तो उसका ये कस्टमाइजेशन है, जैसे स्टूडेंट था, स्टूडेंट का कस्टमाइजेशन था, वो तो एक साथ ही रजिस्टर होते हैं, बाकी अलग अलग जितनी भी क्लासेस होंगी सभी के ये अलग अलग होंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। अब इसको हम सेव करेंगे, आप उधर अब इसमें अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे वो हमें शो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एरर आ रही, क्या एरर आ रही है, मॉडल्स हैज नो एट्रीब्यूट इंटीजर फील्ड, ओके, इंटीजर के स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर की हुई थी यहाँ पे, अब ये रीलोड हो रहा है, अब इसको इधर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस आ गया, और कॉन्टेक्ट अस के अंदर एक और एस भी आ रही है, मैंने आपको बताया था ना कि एक एस इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो ये कॉन्टेक्ट अस जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है नो सच टेबल सेकेंड ऐप कॉन्टेक्ट अस। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एडमिन पैनल में तो ऐड कर दिया बट इसको डेटाबेस में ऐड नहीं किया। डेटाबेस में ऐड करवाने के लिए कौन सी कमांड थी हमारे पास, पहले तो पाइथन कंट्रोल सी किया है मैंने आपने यहाँ पे। ये मिस्टेक आपको कईयों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप जब यहाँ पे रन सर्वर हो रहा है तो हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाते, तो आप लिख नहीं पाओगे, कब लिख पाओगे, जब आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे। क्लियर स्क्रीन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माई माइग्रेशन, ऐप का नेम क्या है सेकंड ऐप, और जो ऐप है आपका ये इंस्टॉल्ड ऐप की लिस्ट में ऐड होना चाहिए, जो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं ना सेटिंग्स डॉट पी वाई में, सेटिंग्स डॉट पी वाई में हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तभी उसकी माइग्रेशन होती है, जो हमने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है सेकंड ऐप को। एनीवेज हम यहाँ पे अब करेंगे माइग्रेशन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन किया, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, माइग्रेट करने के बाद इसकी माइग्रेशन अप्लाई हो जाएंगी। अब अगर इधर रिफ्रेश करोगे तो आउटपुट शो नहीं आएगी, आएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड, ये भी आपकी कईयों की मिस्टेक होती है, क्यों नहीं आएगी, जब तक आप यहाँ पे सर्वर को रन नहीं करते तब तक आउटपुट शो आपको नहीं होगी। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर किया मैंने, अब सर्वर रन होगा तभी इधर आउटपुट हमें शो होगी। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, नेम जो नॉन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे देखो फेड है थोड़ी, नेम लिखा मैंने कॉन्टेक्ट अस में, कुछ भी लिख नेम कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ऐसे इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया कि जो नेम है उसकी लेंथ 10 ही होनी चाहिए, फिर मैंने 10 डिजिट्स ही डाले इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो मैसेज
हेलो हेलो एवरीवन, नाइस वेबसाइट, ये लिखो कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे सेव किया मैंने और यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्ट अस ऑब्जेक्ट वन, और आप इसमें जितने भी ऐड करते जाओगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैक, कुछ लिख दो सब्जेक्ट में, आप मैंने लिखा हेलो डियर, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, और इसके बाद मैंने सेव किया तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्ट अस सब्जेक्ट वन टू। ये क्यों आता है? क्योंकि हमने इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ। अगर आपने इसमें आपने लेट्स सपोज की नेम रिटर्न करवाना है या मैसेज रिटर्न करवाना है, कैसे करवाओगे? मैं नेम ही करवा देती हूँ, तो डेफ। और ये आपने ध्यान रखना क्योंकि ये मिस्टेक होते कि आप यहाँ पे कर रहे होते हो, तो ये जो है मेंबर फंक्शन होगा इस क्लास का, तो इंडेंटेशन के साथ करना है, डेफ डबल अंडरस्कोर एसटीआर सेल्फ, और आपने क्या रिटर्न करवाना है, नेम, तो रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, सेव किया इसको और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट वन, ये देखो ये आ गया। ठीक है, और एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि इसमें हमसे ये डेट टाइम नहीं पूछ रहा, डेट टाइम हमने नहीं ऐड की। एडेड ऑन जो है हमने यहाँ पे फील्ड ऐड की हुई क्योंकि हमने इसमें एट्रीब्यूट ऐड किया ऑटो नाउ ऐड टू, तो ये ऑटोमेटिकली जो करंट डेट है करंट टाइम है ये वो ऐड करेगा। ठीक है, मैं जैसे इसमें नेम कुछ और लिख देती हूँ, शिनचैन नहारा वन, हेलो ऑल, ग्रीटिंग्स, लिखा सेव किया इसको और ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसमें कितने फिल्टर ऐड कर रहे हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्सट्रेस होती है, इसको ये बताया था कि हर एक में एक्सट्रेस आ जाती है। कॉन्टेक्ट अस था तो कॉन्टेक्ट अस के साथ एक एस आ गई, स्टूडेंट था तो उसके साथ एक और एस आ गई। अब आपने इसको नेम को चेंज करना है, टेबल का नेम यही रहेगा कॉन्टेक्ट अस, बट यहाँ पे जो नेम शो हो रहा है आप उसको चेंज कर सकते हो क्लास मेटा के साथ, जैसे कॉन्टेक्ट अस है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूंगी, क्लास मेटा, यहाँ पे लिखूंगी मैं वर्बस नेम रोलन, तो सेव किया मैंने इसको, कुछ भी आप इसका नेम रख सकते हो। यहाँ पे देखो ऐप उसका नेम यही रहेगा इसका, वैसे बैकएंड पे नेम सेम ही रहेगा कॉन्टेक्टर्स क्लास का, बट यहाँ पे जो शो होगा वो ये शो हो रहा है फीडबैक टेबल। या आप इसमें एक्स्ट्रा एस को ही रिमूव करना है, आप इसमें कॉन्टेक्ट ही लिख दो, तो यहाँ पे जो भी आप इस क्लास में लिख दोगे वर्बस नेम प्लूरल में जो भी लिखोगे यहाँ पे वही शो होगा। ये देखो ऐसे जो थी वो एक्स्ट्रा रिमूव होगी। सेम स्टूडेंट्स की एस रिमूव करनी है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, क्लास मेटा, क्लास मेटा, और इधर हम यहाँ पे लिखेंगे वर्बस नेम प्लूरल, और इधर हम यहाँ पे लिख देंगे कोड्स में नेम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉन्टेक्टर्स को कॉन्टेक्टर्स रहने देते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आ गया, इसका आ जाएगा कॉन्टेक्टर्स। अब इसमें हम वही सेम फिल्टर्स ऐड करते हैं, सबसे पहले इसको टेबल में शो करवाना है जो यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर्स वाला है। क्या करेंगे इसके लिए, एडमिन ओपन करेंगे, एडमिन के इनसाइड क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नेम क्या होगा, पहले तो जो मॉडल का नेम है कॉन्टेक्ट अस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस, उसके बाद एडमिन, और इसको इनहेरिट करवाना है मॉडल्स डॉट मॉडल एडमिन से, मॉडल एडमिन, फील्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, फील्ड्स का ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, फील्ड्स का ऑर्डर यहाँ पे जैसे है नेम, कॉन्टेक्ट,
सब्जेक्ट में से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम फील्ड्स, फील्ड मैंने यहाँ पे कर दी पहले, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर, फिर मैंने यहाँ पे कर दी, तो यही फील्ड्स आ जाएंगी। पहले कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा नेम, मॉडल्स इज नॉट डिफाइंड, एरर आ गया, मॉडल्स नहीं आना था। यहाँ पे क्या आना था, एडमिन डॉट मॉडल है एडमिन, जो यहाँ पे हमने इनहेरिट किया हुआ है। और इसको अगेन रीलोड करेंगे तो यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगे। अब क्यों नहीं आई, पहले के एक और स्टेप भी था। पहले हम क्या करते थे, इसको हमने क्लास बनाते थे मॉडल का नेम एंड देन कैपिटल ए से एडमिन, और इस क्लास को भी हम यहाँ पे इस मॉडल को रजिस्टर किया हुआ है, इस कस्टमाइजेशन क्लास को भी यहाँ पे करेंगे रजिस्टर, सेव किया। अब यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई होगा, कॉन्टेक्ट और नेम आ गया। आप बाकी फील्ड्स ऐसे ही ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और नाउ मुझे ये नहीं करना, मैंने इसका लिस्ट डिस्प्ले करना है, टेबुलर फॉर्म में शो करवाना है। इसको कैसे करेंगे, ओके फिर से भाई हमने यहाँ पे एम्प्टी क्लास है, एम्प्टी क्लास को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए वहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही थी। अब ये जो है सही से रीलोड हो जाएगा, इसमें हमने इसको शो करना है इन टेबुलर फॉर्म। क्या करेंगे यहाँ पे, लिस्ट डिस्प्ले ऑफ, पहले क्या है इसमें नेम है, देन है कुछ भी ऑर्डर आप रख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद इसमें हमने शो करवाना है सब्जेक्ट, सेव करवाइए इसमें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नेम कॉन्टेक्ट नंबर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और इसमें आप और क्या था, मैसेज था, और एक और फील्ड भी थी जो मैंने आपको बताया था कि वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है। वो फील्ड यूजर से नहीं वो ले रहा है, क्यों नहीं यूजर से इनपुट करवा रहा है, क्योंकि हमने उसको ऑटो नाउ ऐड किया हुआ था, बट उसको हम गेट कर सकते हैं। तो ये एडेड ऑन को भी मैं यहाँ पे गेट करूँगी, तो आप ये नोटिस करोगे जिस टाइम पे हमने वो ऐड किया था डाटा, ये वाली रिकॉर्ड ऐड किया है वो आ जाएगा 4th of April। यहाँ पे जो ये टाइम है, अब ये भी स्ट्रेक है, ये यहाँ पे ले रहा है UTC टाइम क्या होता है, यूनिवर्सल जो हमारा टाइम होता है, तो UTC टाइम है। अब यहाँ पे 8:43 है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, हमारा UTC टाइम क्या है, +5:30 टाइम जो है हमारी +5:30, ठीक है 5:55:30 है। तो अब इसमें ऐड करके देख लो, इसमें 8:43 में 5.5 आवर को ऐड करके देखोगे तो ये वाला टाइम ही बनेगा जो हमारा टाइम है। बट अभी इसको जो ये यूनिवर्स, क्योंकि जेंगो हमारे ये तो नेचुरल है कि इंडिया में नहीं यूज होता, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, तो यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट इसका टाइम यूनिवर्सल होता है। अब अगर हमने इसमें यूनिवर्सल टाइम की जगह हमने इसमें क्या करना है, जो हमारा करंट टाइम है इंडिया का टाइम जोन वही करना है, तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज है। यहाँ पे देखो ये पहले आ रहा है 8:36:36:38। अगर हमने इसको अपना करंट टाइम ऐड करवाना है इंडिया का टाइम, तो कहाँ पे होगा, एनी गेसेस, जो सोच रहे हैं settings.py, तो बिल्कुल सही है, सब कोई भी सेटिंग करनी है settings.py में। यहाँ पे आप नीचे देखोगे, यहाँ पे टाइम जोन्स की ऑप्शन होगी, टाइम जोन यहाँ पे लिखा हुआ है UTC यूनिवर्सल टाइम है, हमने यहाँ पे लिखना है Asia/कलकत्ता, सेव करोगे इसको। अब इसको आप रिफ्रेश करोगे, और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये अपना सही टाइम आ गया, जिस टाइम पे हमने रिकॉर्ड को ऐड किया है। अब देखो टाइम क्या हो रहा है, 14:15 ऐड करोगे, मैं कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर लेती हूँ, जॉन के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं सब्जेक्ट में लिखूंगी हेलो, सेव करूंगी। इसमें एक और चीज होगी, जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे आ गया, कॉन्टेक्टर्स विद दिस नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको यूनिक लिया था, और इस कॉन्टेक्ट नंबर का कॉन्टेक्ट इसमें पहले से है, तो मैं इसको चेंज करूंगी 1 2 3 4 5
सेव किया इसको, ये देखो मैं पहले ये ऐड कर रही थी, इसका पहले से है था, तो ये देखो 2 and 16 ये सही टाइम आया है, जो हमने टाइम जिस टाइम पे रिकॉर्ड ये क्रिएट किया है अपने आप उसने वही डेट एंड टाइम जो है अपने आप उसने ऐड कर दी। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्या क्या किया है आज हमने इसमें। पहले तो एक मॉडल्स क्रिएट किए हमने इसमें दो, और इसमें हमने एक फिल्टर्स लगाए हैं, मैंने अभी वैसे लिस्ट फिल्टर लगाया, वैसे आप इसमें सर्च की ऑप्शन लगा सकते हो, मैं यहाँ पे सेम ही लगाऊंगी। सर्च हमने कैसे करना है, सर्च हमने इसमें करवाना है बाय नेम, तो आप इसमें सर्च बाय हम नेम लिखेंगे, सर्च फील्ड यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो सर्च आ जाएगा, यहाँ पे सर्च फील्ड आ जाएगी टॉप पे, ये आ गई। इसमें आप नेम जो भी लिखोगे, मैंने लिखा जे ए, सर्च किया तो ये जैक यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। साइड पे फिल्टर्स ऐड करने हो, आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो, क्या था उसके लिए लिस्ट फिल्टर, फिल्टर आपने करवाने हैं डेट के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे एडिट ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेट टाइम के अकॉर्डिंग फिल्टर्स ऐड हो जाएंगे, जितने भी फिल्टर्स आपने करवाने हैं, देखो ये टू डे के फिल्टर, पास्ट 7 days, दिस मंथ, ऐसे ये फिल्टर्स लग रहे हैं, अभी हमने ये सभी टू डे ही किए हैं तो इसीलिए सभी रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। या आपने यहाँ पे फिल्टर करना हो नेम, तो आप फिल्टर बाय नेम भी लगा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट फिल्टर आपने यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई भी फील्ड ऑप्शन। यहाँ पे बाय एडेड ऑन था, अब यहाँ पे बाय नेम आ गया, जिन जिनका नेम जॉन होगा या जिसका नेम यहाँ पे अमनदीप कौर होगा उनको वो फेच कर देगा, ठीक है। तो ये था, और इसमें था हमारा लिस्ट एडिटेबल था, लिस्ट एडिटेबल में हमारा क्या था, अगर आपने यहाँ से कुछ फील्ड्स को एडिटेबल बनाना, लेट्स सपोज हमें कॉन्टेक्ट अस पर एडिटेबल करना है, तो लिस्ट एडिटेबल, एडिटेबल एक और चीज आप इसमें, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ नेम को एडिटेबल, तो आप इसको नहीं कर सकते यहाँ पे नेम को एडिटेबल, जो ये पहली फील्ड है जिसपे लिंक लगा होता है, जिस पे क्लिक करके हम ये ओपन करें, उसको आप एडिटेबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ऑप्शन आ गई देखो, कि जो फर्स्ट फील्ड होगी लिस्ट एडिटेबल ऑफ जीरो पे, उसको आप एडिटेबल नहीं कर सकते, या तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, अगर आपने नेम को एडिटेबल रखना है तो फील्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दो, फील्ड्स के साथ पहले रोल नंबर कर दो, या कोई भी फील्ड आप जो चाहते हो कि नॉन एडिटेबल हो वो पहले आनी चाहिए, इस पे आप फर्स्ट फील्ड पे एडिटेबल नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे नेम फर्स्ट फील्ड है तो इस पे आप एडिटेबल नहीं लगा सकते, आप कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉन्टेक्ट नंबर, तो वो कॉन्टेक्ट नंबर एडिटेबल हो सकती है। कंक्लूजन क्या है कि जो फर्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल नहीं हो सकती, अगर आपने उसको एडिटेबल, फर्स्ट फील्ड को एडिटेबल बनाना भी है तो उसके लिए फील्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दो। देखो ये ऐसे हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हो रहा है एडिट, अगर आपने नेम्स को भी इनकेस एडिट करवाना होता तो आप यहाँ पे फील्ड्स को, जो ये फील्ड्स हैं, फील्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते थे कि पहले आपको शो हो कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट नंबर एडिटेबल नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर शो हो, बाद में आपको शो हो नेम, और अब आप नेम को एडिटेबल बना सकते हो, फर्स्ट फील्ड एडिटेबल नहीं होगी। और हर एक की एक आईडी भी होती है, हमने यहाँ पे कोई आईडी कोई भी ऐड नहीं की है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे किया आईडी, आईडी इसमें बिल्ट इन होती है जो मॉडल्स के साथ, जब आप ये मॉडल क्रिएट करते हो आपने नेम कॉन्टेक्ट नंबर सब्जेक्ट ये किया ऐड, बट जो आईडी है आईडी को अपने आप ऐड करता है, आईडी जो होती है वो होती है ऑटो नाउ नेम इज नॉट एडिटेबल, ओके ये जो है पहले वाली ही इसमें हो रखे हैं, लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले नहीं था ये हमारे पास, ये ऑप्शन फील्ड्स, मैंने फील्ड्स ऐसे सिलेक्ट कर लिए, और इसको लिस्ट डिस्प्ले में भी मैं पहले यहाँ पे करूँगी आईडी को, और जो आईडी है आईडी हम यूजर मैन्युअली इसको एडिट नहीं करेगा, आईडी को जो एडिट है वो जेंगो खुद से ऐड करता है, आईडी होती है ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की फील्ड होती है, ये रीलोड हो रहा है दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखोगे सभी की आईडीज भी आ रही होंगी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सभी की आईडीज आ रही है,
इन केस आपने किसी को डिलीट भी कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, फोर वाले को मैंने डिलीट कर दिया, कैन नॉट स्पेसिफाइड एडेड ऑन, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर कॉन्टेक्ट अस मॉडल, ओके यस। यहाँ पे मैंने ये फील्ड्स में क्या, फील्ड्स क्या होती है, फील्ड वो है कि जो अपने यूजर से एडिटेबल बनानी है, जो यूजर जिनको देख सकता है, चेंज कर सकता है। तो मैंने जो एडेड ऑन है, एडेड ऑन इसमें ऑटो नाउ फील्ड है, जैसे आईडी है, आईडी भी इसमें ऑटो फील्ड है, जिसको जेंगो खुद से ऐड कर रहा है, हमें उसमें नहीं करना। तो जो ऑटोमेटिक फील्ड है उनको आपने फील्ड्स लिस्ट में नहीं रखना। सेव किया इसको मैंने अगेन, अब इसको दोबारा से रीलोड करेंगे। अब मैं फोर को डिलीट करूंगी, यहाँ से फोर जो है, फोर को मैं डिलीट करूंगी, यस आई एम श्योर। अब इसमें एक और ऐड करूंगी रिकॉर्ड, नेम यहाँ पे मैं लिखूंगी अमन, ठीक है, और सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ग्रीटिंग्स लिखा मैंने और गुड इवनिंग लिखा, और इसको मैंने सेव किया। तो जो इसकी आईडी है, ये देखो फोर आईडी हमने डिलीट कर दी थी, जो नेक्स्ट है रिकॉर्ड उसको आईडी 5 होगी, मतलब जो एक बार पहले आईडी असाइन हो चुकी है वो आईडी डुप्लीकेट इसमें नहीं होगी। आईडी इसमें होती है ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी फील्ड, हमने आईडी इसमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया था, आईडी इसने खुद से ऐड किया, एडेड ऑन हमने ऐड किया था, बट इसमें हमने ऑटो नाउ ऐड ट्रू किया हुआ था, तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ व्यू ऑनली है, जेंगो इसको चेंज करेगा, ठीक है। और बाकी हमने इसमें सेट कर रखा है कि जो डेट है ऑटो नाउ इसमें वैसे करंट डेट ही होगी, और हमने इसमें मेन इसमें आज क्या क्या किया है, हमने, मैं इसमें नोट कर देती हूँ हमारी जो स्लाइड्स हैं, तो हमने पहले तो इसमें ये सब फिल्टर्स ऐड किए हैं, और हमने इसमें क्या ऐड किया है कि कस्टमाइजिंग एडमिन पैनल में हमने क्या ऐड किया है, ऐड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डेट टाइम फील्ड, ऑटोमेटिक डेट टाइम फील्ड, और हमने चेंज यूटीसी टाइम टू एशिया कलकत्ता, ये हमें कहाँ पे होगा चेंज, ये होगा सेटिंग्स डॉट पी वाई, बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल टाइम होता है, आप इसमें ये चेंज कर सकते हो एशिया कलकत्ता। और हमने इसमें क्या किया है, चेंज वर्बस नेम प्लूरल, वर्बस नेम टू रिमूव एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसको रिमूव करने के लिए हमने इसमें एक ऐड किया है क्लास मेटा, या आप बोल सकते हो ऐड क्लास मेटा, क्लास मेटा टू रिमूव एक्स्ट्रा एस, टू रिमूव एक्स्ट्रा एस, ठीक है। और इसमें हमने फिल्टर लिस्ट डिस्प्ले एंड एडिटेबल एंड फील्ड्स ऑप्शन की, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आप सभी ने अब ये करके देखना है ट्राई, और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, और भी इसमें मॉडल्स आपने क्रिएट करके देखने हैं, क्या क्या इसमें नोट आपने करना है कि पहले यहाँ पे मॉडल क्रिएट करोगे, मॉडल क्रिएट करने के बाद एडमिन डॉट पी वाई में उसको रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद एक क्लास, अगर उसमें आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो पहले तो उस मॉडल का नेम, देन आप बाद में लिखो कैपिटल ए से एडमिन, देन उसके बाद उसको इनहेरिट करवाना है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन के साथ, और उसमें आप ये सभी फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, और उस क्लास को जो कस्टमाइज्ड क्लास है उसको भी आपने रजिस्टर करवाना होता है, जहाँ भी मॉडल को आपने रजिस्टर करवाया है। और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कितने लगेंगे, जितने आपके मॉडल्स होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।